तो गाइस स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल के ऊपर। तो वन प्लस नाइन प्रो का जो फर्स्ट लुक है ना वो रिवील हो चुका है और इसके कुछ जो लाइव इमेजेस है ना वो निकल करके आए हैं, जिनको देखने से ये जो स्मार्टफोन है ना वो काफ़ी किलर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके कुछ और स्पेक्स के बारे में बताऊँगा जो कि कुछ चेंज होकर के आए हैं। इसी के साथ मैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में बताने वाला हूँ और फर्स्ट लुक के ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर देना, पांच वाले बेल आइकन को दबा देना और ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम किसी स्मार्टफोन के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करें ना तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है ना तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो मैं यहां पर आपको सबसे पहले इसकी पिक्चर को दिखाने वाला हूं, तो आप लोग यहां खुद देख सकते हो। ये जो पिक्चर है ना वो एक बहुत ही बड़े यूट्यूब चैनल के द्वारा लीक की गई है, जो कि है डेवली, जिन्होंने इस पिक्चर को लीक किया है। आप खुद पिक्चर के अंदर इसके डिजाइन को देख सकते हो और रियर साइड के कैमरा सेटअप को और इसके बैक को भी देख सकते हो, जो देखने में काफी ज्यादा गजब की यहां पर दिख रही है। और इसका जो सिल्वर कलर है ना वो भी आपको काफी ज्यादा यहां पर यूनिक देखने को मिल रहा है और ये जो स्मार्टफोन है ना किलर देखने को मिल रहा है। यहां पर हम लोग बात करना चाहेंगे इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो आपको इसका जो कैमरा सेटअप है ना वो स्क्वायर हाउसिंग के अंदर यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर ऊपर की तरफ आपको दो बड़े कैमरा सेंसर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ में आपको नीचे की तरफ एलईडी फ्लैश और जो थर्ड और फोर्थ जो कैमरा सेंसर है ना वो दोनों के दोनों आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप इसके कैमरा सेटअप को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर काफी यूनिक जो कैमरा सेटअप है वो आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाला है। और जब हम लोग इस कैमराज के ऊपर जूम करके देखते हैं ना तो यहाँ पर साफ साफ आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है कि इस बार जो वन प्लस है वो हैसलब्लैड के साथ में जो है वो पार्टनरशिप करने वाला है, जो कि कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर या फिर कैमरा सेंसर को बनाने में ना काफी जबरदस्त कंपनी है। वो ये स्वीडन के अंदर काम करती है और इनके जो कैमराज होते हैं ना और कैमरा का जो एल्गोरिथम होता है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। तो इसका मतलब आप ये खुद समझ सकते हो इस डिवाइस के जो कैमरा सेटअप होंगे ना और जो कैमरा सेंसर्स होंगे ना वो आपको काफी जबरदस्त जो है यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस डिवाइस के अंदर आपको 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ में जो फ्रंट डिस्प्ले है वो यहां पर देखने को मिलने वाली है, जो कि पंच होल कटआउट के साथ में आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इस डिवाइस के अंदर आपको डायनामिक रिफ्रेश रेट का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो स्मूथनेस है ना वो भी आपको नेक्स्ट लेवल वाली यहां पर देखने को मिलने वाली है। आपको फ्रंट और बैक साइड के अंदर जो है वो कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, ये जो डिवाइस है वो फुल्ली ग्लास बॉडी के साथ में आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है और डिजाइन भी जो है वो उसका काफी जबरदस्त होगा। कुछ इस तरह का आपको जो वन प्लस नाइन प्रो है और उसका जो लुक है वो यहां पर इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको ये जो स्मार्टफोन है वो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम किसी वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।